Hello students, how do you do? I hope you all are fit and fine. So let's move to our today's lesson. 1.3 Let's speak. यानी आइए बात करते हैं, आइए बोलते हैं. ये welcoming friends का जो मंजर होता है, स्कूल छुट्टियों के बाद दोबारा जारी होते हैं, तब बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, उसी का एक यहाँ पर मंजर खींचा गया है. यहाँ पर बच्चे जो आपस में एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं. तो क्या कहा इन बच्चों ने, वो यहाँ पर आपको क्या है इस आइकन में दिखाई दे रहा होगा. चलिए जानते हैं. There are 5 children in this picture and they are standing on the school ground and you can see a school building behind them. Okay, so let's start. Hello everyone. Good morning. I am Satish. See, this is Satish. ये सतीश है जिसके हाथ में बैट आपको नजर आ रहा है. सतीश अपना हैंड शेक करके बच्चों से यानी कि अपने फ्रेंड से क्या कर रहा है, हेलो कर रहा है और सभी से वो मुखातिब है. सभी को एड्रेस करके क्या बोला उसने, हेलो एवरीवन. जैसे हम मिलते हैं किसी को तो सलाम दुआ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से अंग्रेजी में हाय और हेलो कहा जाता है. तो सतीश ने क्या कहा, हेलो एवरीवन. और फिर गुड मॉर्निंग भी कहा. गुड मॉर्निंग यानी सुबह का सलाम. इसे हम कहेंगे सुबह बखैर, यानी आपकी सुबह अच्छे से गुजरे. तो अच्छी बात है किसी को विश करना. तो सतीश इज अ वेल मैनर्ड बॉय, इसलिए उसने क्या किया, आधे बराबर ही सबको विश किया. आप सबको भी इस तरह से अपने फ्रेंड्स को विश करना चाहिए. सतीश ने क्या कहा, आई एम सतीश, यानी उसने अपना नाम बताया इंट्रोडक्शन देते हुए. इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले सलाम या दुआ करनी चाहिए और उसके बाद अपना नाम बताना चाहिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पर्सन को पता चले कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, ताकि बातचीत में आसानी हो. अब देखिए सतीश के लेफ्ट साइड में जो दूसरा बच्चा यहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है, उसने क्या कहा, हेलो आई एम प्रमोद, यानी उसने भी हेलो कहा और क्या कहा, अपना नाम आई एम प्रमोद, यानी मैं प्रमोद हूँ. उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक और बच्चा है, वो क्या कह रहा है, हाय आई एम सिद्धू. ये देखिए, आई एम न्यू इन द स्कूल. आप देख रहे हैं कि ये जो पगड़ी वाला ये जो बच्चा है, प्यारा सा बच्चा, ये देखिए पाजी यहाँ आ गए हैं, है ना. और क्या कहा उन्होंने अपना नाम, मैं सिद्धू हूँ. इन्होंने पे हाई किया सबसे पहले, उसके बाद ही अपना नाम बताया. और फिर एक और बात इन्होंने अपने बारे में बताई कि मैं इस स्कूल में नया हूँ. सिद्धू की ये बात सुनकर उसके सामने खड़ा लड़का फौरी बोल पड़ा. उसने क्या कहा, आई एम प्रणव, यानी मैं प्रणव हूँ. आई एम ऑल्सो न्यू इन दिस स्कूल, यानी कि मैं भी इस स्कूल में नया हूँ. देखिए प्रणव भी नया है, लेकिन वो बिल्कुल शर्मा रहा है कि नहीं. उसने भी फौरी अपना तारुफ करवाया अपने दोस्तों से और क्या कहा कि मैं भी इस स्कूल में नया हूँ. उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक प्यारी सी लड़की भी इनके ग्रुप में है और उसने अपने दोनों हैंड्स यहाँ पे स्प्रेड करके सबको वेलकम करने वाले अंदाज में वहाँ पर वो बोल रही है, आई एम शर्वरी. वाओ, नाम भी कितना प्यारा है, मैं शर्वरी हूँ. नाइस टू मीट यू माई फ्रेंड्स, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों. वेलकम टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल में आप सबका इस्तकबाल है. देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची है, ना सिर्फ इसने अपना नाम बताया बल्कि सबसे मिलकर खुशी हुई, इस बात का भी उसने वहाँ पे एहसास करवाया और सबका इस्तकबाल भी किया. Let's move to the next page. देखिए अब यहाँ पर ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं. Where do you live? यानी आप कहाँ रहते हैं. किसने पूछा, सतीश ने. सतीश का ये सवाल सुनकर प्रमोद फौरी बोल पड़ा, आई लिव नियर द मार्केट, यानी मैं बाजार के करीब रहता हूँ. प्रमोद कौन है, जो सतीश के लेफ्ट साइड में खड़ा है, जो इसने
बहुत ही खुशी से अपना तारुफ करवाना चाहा। पहले तो अपना नाम बताया उसने, और उसके बाद अभी क्या बता रहा है, अपने घर का एड्रेस बता रहा है कि वेयर डज ही लिव। चलिए अब हम मूव करते हैं सिद्धू की तरफ। सिद्धू ने क्या कहा कि वो कहाँ रहता है। आई लिव नेक्स्ट टू आवर स्कूल, मैं तो स्कूल के बाजू में ही रहता हूँ। प्रणव ने क्या कहा। प्रणव ने कहा आई लिव इन रामनगर, कि मैं रामनगर में रहता हूँ। आई लिव यानी मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ, दोनों ही अगर बोलना चाहेंगे अंग्रेजी में तो क्या कहेंगे, आई लिव, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप अपना भी एड्रेस बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन पुणे। जिस तरीके से भी जहाँ भी आप रहते हैं उसके हिसाब से आप बोलते रहिए, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, आई लिव से ही करेंगे। ओके, लड़का हो या लड़की हो दोनों आई लिव ही बोलेंगे। अब लास्ट में शर्वरी ने फिर प्यार से सबको वहाँ पर क्या कहा देखते हैं। सो नाइस वी ऑल लिव नियर बाय, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब पास पास ही रहते हैं। क्यों कहा शर्वरी ने ऐसा, क्योंकि अगर नज़दीक रहते हैं तब बार बार मिल सकते हैं, पॉसिबल है मिलना, है ना। अगर दूर रहेंगे तो मुलाकात हो ही नहीं पाएगी, तो फिर एक दूसरे की वहाँ पर मदद कैसे होगी, चाहे वो पढ़ाई में मदद हो या फिर खेल कूद में, है ना, कुछ राय मशवरा लेना हो, तब भी हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। अब शर्वरी को ये जानकर इसीलिए खुशी हो रही है कि सभी फ्रेंड्स जो हैं, चाहे वो पुराने हो या नए, पास पास ही रहते हैं, तो जब चाहे वो मिल सकते हैं और खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, साथ में स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे यहाँ पे इनके मुमकिन हैं। तो इस तरह से आप भी क्या करेंगे, अपने दोस्तों से अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और फिर अपना एड्रेस बताइए, अपने बारे में बताइए। इस तरह छोटे छोटे जो सेंटेंसेस बच्चों ने यहाँ बोला है आप भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ लास्ट में एक सवाल पूछा गया है, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि आप अपना एड्रेस बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आई लिव नियर द मार्केट, आई लिव नियर द स्कूल, है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया का नाम लेकर आप बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम लेकर बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम आप बता सकते हो। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना अपना जो है आंसर यहाँ पर रेडी करेंगे, अपने टीचर से इसका आंसर बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको बहुत ईजी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो इस बात से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको तो अंग्रेज़ी नहीं आती। बेटा देखो, दुनिया में कोई भी सब कुछ सीख कर नहीं आता, हम जो कुछ भी सीखते हैं दुनिया में आकर ही सीखते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप इस बात से परेशान ना हो कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप कोशिश करेंगे आपको ज़रूर अंग्रेज़ी अच्छी तरह बोलने आएगी, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ इसी तरह अंग्रेज़ी में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कॉन्वर्जेशन करते रहेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी प्यारी सी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।